हाय दोस्तों, हर गंगे आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार रूबी ब्लॉग शो में। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन में। काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन की लाइव दृश्य दिखाइए, जिसमें क्या हम जान सके कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो हम अभी आपको लाइव दृश्य दिखाने वाले हैं। ये सुबह के 6:30 बजे का दृश्य है और ये हम आ रहे हैं हेमकुंड ट्रेन से, जो माँ वैष्णो देवी कटरा से चल के ऋषिकेश तक जाती है। तो आप देख सकते हैं ये ट्रेन रुक चुकी है और काफ़ी सारे श्रद्धालु उतर रहे हैं। आप सबसे एक प्यारे से रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे क्या है आपको माँ गंगा दर्शन के साथ साथ हरिद्वार उत्तराखंड से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। जैसे कि आपने देखा अभी 6:27 हुए हैं सुबह का और हम अभी चल रहे हैं ब्रिज की ओर और देखते हैं ब्रिज में क्या सिचुएशन है, क्योंकि ब्रिज को ब्रेक कर दिया जाता है। कोविड काफ़ी ज़्यादा हरिद्वार उत्तराखंड में बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस वाले सभी इधर भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोविड की जांच होती है। जिनके पास सेकंड डोज का सर्टिफिकेट है उनको भी यह इधर भेज रहे हैं। और यहाँ पे अंदर जाने के बाद हम दिखा देंगे कि हमारे पास सेकंड डोज का सर्टिफिकेट है और हम बाहर निकल सकते हैं, अगर आपके पास सेकंड डोज का सर्टिफिकेट है तो। अगर आपके पास सेकंड डोज का सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे कोविड की जांच करानी पड़ेगी, जो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं लगता। आप देख सकते हैं वहाँ पे काफ़ी सारे लोग टेस्ट करवा रहे हैं और आपको इसके लिए आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर की ज़रूरत है। मोबाइल नंबर की ज़रूरत इस कारण है क्योंकि 1 घंटे के बाद आपका रिपोर्ट उसी नंबर पे आ जाएगा और वो 72 घंटे के अंदर वैलिड रहेगा, आप कहीं भी उत्तराखंड में यात्रा कर सकते हैं। अगर बच्चे की बात कहें तो अगर 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 10 साल से बड़े हैं तो उनको कोविड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। हरिद्वार रेलवे स्टेशन में जो टेस्ट होती है वो रैपिड टेस्ट है। अगर आप रैपिड टेस्ट लेके आते हैं जहाँ से आ रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर की होनी चाहिए, अगर आप आरटीपीसीआर ला रहे हैं तो 72 घंटे के अंदर की होनी चाहिए। जब भी आप हरिद्वार की प्लानिंग करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि उत्तराखंड में काफ़ी ज़्यादा कोविड की केसेस बढ़ रही है। जैसे मैंने पहले ही कहा, आप जब भी प्लानिंग करें तो कोविड के जो रूल्स है उसको फॉलो करें। आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है टेस्ट करवाने के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।